Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I am Mahnoor. I hope you all are good. So today I have a very interesting video for you all. Um, I last video when I it was all about makeup removers, and some of you were very curious about Ponds micellar water. So I thought of making a video on it. Or today's video, I will review Ponds ke micellar water. Review karungi. I will give it a complete detailed review. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा सो लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो ओके सो दिस माई सेल वाटर इज़ अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट फ्रॉम पॉन्ड्स और ये पाकिस्तान में तो अभी अभी बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुए सोल ऑल ऑफ पीपल वॉन्ट्स टू नो दैट इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इसी पर बात करेंगे सो इसके ऊपर मैंशन है दैट इट्स अ वाइटमिन माई सेल वाटर सो दिस इज़ वेरी यू नो डिफरेंट थिंग फॉर माइसेलर वाटर इट हैज़ वाइटमिन इन इट इसके अलावा इसके अंदर ब्राइटनिंग रोज़ है इसका मतलब इट विल रिमूव योर मेकअप एज वेल एज इट विल ब्राइटन अप द स्किन सो ये भी एक माई सेलर वाटर के लिए बड़ी डिफरेंट सी चीज है सो लेट्स सी कि ये किस तरह का है मैं आप लोगों से आगे डिटेल में बात करूँगी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी पैकेजिंग की तो इट हैज़ अ सिंपल प्लास्टिक बॉटल जिस तरह तमाम आईसेलो वाटर्स की होती है उसी तरह से इसकी भी सिंपल सी पैकेजिंग है लेकिन इसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव है इट हैज़ अ पिंक कलर तो वो बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है और वैनिटी भी बड़ा हुआ बड़ा प्यारा लग रहा होता है सो दैट्स इट फॉर द पैकेजिंग्स ओके okay, सो so अब अगर हम बात करें इसकी कम्पोजिशन की या इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये जो वेरिएंट मेरे पास है दैट इज़ मेड इन थाईलैंड और इसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो मुझे पढ़नी नहीं आती है तो सच मैं आप लोगों के साथ एक्जैक्टली इंग्रीडियंट्स तो शेयर नहीं कर सकती हूँ बट मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ दैट आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन तो अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कोई भी हार्श या इरीटेटिंग चीज़ हो तो वो मेरी स्किन को फ़ॉरन इरीटेट कर देती है बट दिस माई सेलर वाटर डिड नॉट इरीटेट माई स्किन या कोई भी मेरी स्किन पर रिएक्शन नहीं हुआ सो दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई भी हार्श या फिर इरीटेटिंग जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मौजूद नहीं हैं इट्स वेरी नाइस फॉर द स्किन ओके okay, सो so now लेट्स just अबाउट इट्स प्राइस एंड अवेलेबिलिटी सो इट it फॉर for rupees 325. और मैंने ये अपने घर के पास एक मार्ट से लिया था और आप लोगों को किसी भी मार्ट या सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगा क्योंकि अब हर जगह पे अवेलेबल है एंड इट इज़ अ हंड्रेड एम एल बॉटल और इसकी प्राइस है 325. मैं ऑनलाइन चेक कर लूँगी अगर मुझे कोई लिंक मिला तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो प्राइस रेंज के हिसाब से एक माइसलो वाटर के लिए इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी तो ये ठीक है इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ओके okay, सो so अब हम इस प्रोडक्ट का डेमो कर लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों के सामने सो uh, so मैं यहाँ पर अपने uh, हाथ के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स आपके सामने लगाऊंगी और फिर उनको रिमूव करूँगी सबसे पहले मैं लिपस्टिक लगाऊंगी फिर वाटरप्रूफ प्रूफ आई लाइनर उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक और उसके बाद वाटर प्रूफ मस्कारा और उसके बाद मैं अपनी एक स्टिक फाउंडेशन अप्लाई करूंगी और फिर मैं उसको आप लोगों के सामने ही रिमूव करूँगी ओके okay, सो so अब मैं यहाँ पर अपने हाथ पर मिस रोज़ का वाटरप्रूफ आईलाइनर अप्लाई कर रही हूं हूँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए अब यहाँ पर मैं कर इंस्टीट्यूट की एक लिपस्टिक जो है वो अपने हाथ पर अप्लाई रही हूँ इसके बाद मैं अपने हाथ के ऊपर मिस रोज़ का ये जो लिक्विड लिपस्टिक है इसको अप्लाई करूँगी और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ आ स्टिक फाउंडेशन और ये मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक फाउंडेशन है इसके ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से हाथ के ऊपर ब्लेंडेड लगे उसके बाद मैं ये मस्कारा जो है वाटर प्रूफ मस्कारा है इसको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से ये काम करता है सो so, यहाँ पर मैंने तमाम प्रोडक्ट्स को अपने हाथ पर लगा लिया है और अब हम लेंगे एक कॉटन पैड और उसके ऊपर मैं माइसैलो वाटर डालूंगी और फिर अपने हाथ को जो है वो क्लीन करूंगी और इन तमाम प्रोडक्ट्स को अपने हाथ पर से उतारूंगी सो लेट्स सी कि ये कितना मुश्किल होता है हमारे लिए इस माइसैलो वाटर के साथ इन सब प्रोडक्ट्स को रिमूव करना या फिर कितना ईजीली हो जाता है तो ये मैं आप लोगों के सामने ही आप लोगों को अभी शो करती हूँ सो so, अब ये माइसैलो वाटर लगने के बाद अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे विद द मस्कारा और सबसे पहले मैं मिस्कारा को रिमूव करूँगी सो लेट सी वन स्वाइप वाओ सो इट रिमूव द मस्कारा इन वन स्वाइप अब हम रिमूव करेंगे फाउंडेशन को यस इट डिड द जॉब ओके अब हम लिक्विड लिपस्टिक को रिमूव करेंगे सो दिस इज़ अ टफ वाओ इट वॉज अ टफ़ वन बट इसने लिक्विड लिपस्टिक को भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है सो इट्स अ गुड थिंग इतना मुझे कोई भी प्रेशर नहीं देना पड़ा इतना मुझे हार्शली उसको रब नहीं करना पड़ा या मैं सिंपल लिपस्टिक को रिमूव करूँगी ओके ये भी रिमूव हो गई और अब मैं ये वाटर प्रूफ आई है उसको भी रिमूव करूँगी सो ओके सो इट डिड द जॉब रियली वेल मेरे हाथ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी मेकअप का रेसिड्यू या कुछ भी नहीं रह गया हाथ बिल्कुल कम्प्लीटली क्लीन हो गया है सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस थिंग फॉर वेरी वेरी अफोर्डेबल माई सेल वाटर अच्छा अब जब uh, बात कर लेते हैं फेस पे जब इसको फेस मेकअप को रिमूव करने के लिए या आई मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है तो सो आई हैव यूज इट और इसने मेरे मेकअप को बहुत अच्छे से बहुत इजीली रिमूव कर दिया सिर्फ जब मस्कैरा आई लैशेज़ पर लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए मुझे एक दफ़ा मैं रिमूव नहीं हुआ था मुझे दो दफ़ा जो है वो उस कॉटन पैड को अपनी आइज़ पर रब करना पड़ा था तो फिर वो रिमूव हुआ था इसके अलावा इट रिमूव द मेकअप रियली 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 ईज़िली ओके okay, सो so एक लास्ट बात इस माई सेलर वाटर के बारे में मैं मैंशन मैं करती जाऊँ दैट दिस माई सेलर वाटर हैज़ अ लिटल बिट ऑफ फ्रेगरेंस इन इट सो अगर आपकी स्किन इस तरह की है कि वो फ्रेगरेंस वाली चीज़ों से इरीटेट हो जाती है तो फिर आप इस माई सेलर वाटर को यूज़ करते हुए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा माइसेल वाटर है आप इसको ले सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल है और वर्किंग भी बहुत अच्छी है सो दैट सेट फॉर द वीडियो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें आई नो आजकल मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ एज़ इट वाज रमज़ान एंड आई वाज सो बिज़ी लेकिन अब इन ईद के बाद मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी बहुत अच्छा कॉन्टेंट लेकर आऊँगी सो so, टिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अलाफ़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा